नमस्कार दोस्तों, एक प्रश्न आपके दिमाग में बार बार आता होगा। आप में से कई दर्शक जब मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं, कंसल्टेशन करवाते हैं, तो मुझसे बार बार एक प्रश्न भी करते हैं। कई बार मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि जो कुंडली होती है उसमें कई भाव रिक्त भी होते हैं, खाली भी होते हैं। उन खाली भावों को कैसे पढ़ा जाए, वो खाली भाव अपने कैसे फल देते हैं। एक प्रश्न तो आया था, उन्होंने कहा था कि कुंडली का 7th हाउस है वो खाली है, तो इसका क्या मतलब कि शादी ही नहीं होगी व्यक्ति की, क्योंकि कुंडली का लग्न कुंडली का 7वां स्थान वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, विवाह को दर्शाता है। अब उस भाव में कोई ग्रह नहीं है तो क्या शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, दिखती बात है, 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं। 9 के 9 ग्रहों को हर एक एक भाव में भी रखेंगे तो भी 3 भाव खाली रह जाएंगे। अभी जरूरी थोड़ा है कि 9 के 9 ग्रह हर एक एक अलग अलग भाव में होते हैं। कई बार युतियां भी होती हैं, 2 ग्रह की युति एक साथ है, 3 ग्रह की, 4 ग्रह की, 5 ग्रह की युतियां होती है ना, तो उसमें तो और ज्यादा भाव और ज्यादा घर खाली रह जाते हैं। तो देखिए, आप उन्हें खाली देख रहे हैं, ये आपका नजरिया है। मैं उन्हें खाली नहीं देख रहा हूं। ये कैसे? ये ऐसे कि हो सकता है किसी भाव में कोई ग्रह न हो, लेकिन वहां पर राशि तो है ना भाई, नंबर तो लिखे हुए ना। आपका कोई भी भाव ऐसा है जहां कोई नंबर ना लिखा हो, 1 से लेकर के 12 नंबर। अभी 1 से लेकर के 12 नंबर राशियां होती हैं। मेष राशि, 1 नंबर को मेष राशि दिया है, 12 नंबर को मीन राशि दिया है। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशियां होती हैं सारे भाव में, तो भाव रिक्त तो या खाली तो हुआ ही नहीं, राशियां हैं वहां पर। अब यदि किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है तो ये भी तो हो सकता है कि उस भाव में किसी ग्रह का प्रभाव हो, प्रभाव मतलब दृष्टि हो। चलिए मान लेते हैं दृष्टि भी नहीं है, ये हो सकता है कि जो भाव खाली है उस भाव के स्वामी पर किसी की दृष्टि हो। मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में 7th स्थान पर 7वें भाव पर 7 नंबर लिखा होता है, 7 नंबर मान लेते हैं, वो जो 7वां स्थान है वो खाली है। अभी वो जो 7 नंबर है उसका मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि के स्वामी हो जाते हैं शुक्र। तो हो सकता है शुक्र पर किसी ग्रह का प्रभाव हो, किसी ग्रह की दृष्टि हो, ये भी तो हो सकता है। इसी के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं कि सूक्ष्म कुंडलियों को भी देखना चाहिए। सूक्ष्म कुंडलियां, जैसे हम 7th हाउस की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत वृहद है जीवन, बहुत सारी बातें की जा सकती है। हमने एक एग्जांपल ले लिया, 7th हाउस मतलब वैवाहिक जीवन, विवाह। तो सूक्ष्म कुंडली पर जाएंगे तो 9 मार्च को देखेंगे, D9 चार्ट को देखेंगे। तो यदि कुंडली का 7th हाउस कोई ग्रह नहीं है वहां पर, तो हम 9 मार्च कुंडली को भी तो एनालिसिस करेंगे, बिना 9 मार्च कुंडली के एनालिसिस के क्या होगा, बिल्कुल अधूरा एनालिसिस रह जाएगा। एक बात ये भी है, मैं कई बार बता चुका हूं कि जब विवाह की बात आती है, विवाह कब होगा, तो मैं गोचरों को देखता हूं। भाई गोचर भी तो चलते रहते ना, सारे ग्रह 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह यदि गोचरों में देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो घूमते ही रहेंगे। अब वो लग्न कुंडली पर नहीं दिखेंगे, लेकिन यदि आपको पता है कि किस राशि में है तो आप उस राशि में उसको एज्यूम कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई ग्रह तुला राशि में है और आपकी लग्न कुंडली में 7th हाउस पर कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, लग्न कुंडली में 7th हाउस आपका रिक्त है जहां 7 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर कोई ग्रह अभी गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं, तो वो भी तो कुछ प्रभाव डालेंगे ना, गोचर का भी तो कोई प्रभाव होता है। तो बहुत सारी चीजों को मिला करके, अब जैसे हमने विवाह की बात की तो विवाह के लिए कुंडली मिलान को भी लाते हैं, कुंडली मिलान करना भी बहुत जरूरी है। मैं बार 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 कहता हूं कुंडली मिलान किए बिना शादी मत करो। आपको समझाने का मेरा मकसद यह है कि किसी भी चीज को एक एक थेरेपी, एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, अलग अलग उसकी गणनाएं होती हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं।
और उस आधार पर एक बात का विश्लेषण किया जाता है। जैसे मैंने केवल विवाह की बात की, उसमें मैंने कह दिया कि यदि कोई ग्रह नहीं भी है, कोई ग्रह होता तो उस ग्रह को भी लेते, लेकिन कोई ग्रह नहीं भी है तो उस किसी ग्रह का प्रभाव पड़ रहा होगा, उस ग्रह के स्वामी पर किसी ग्रह की दृष्टि हो रही होगी, नौमांश कुंडली को देखा जाएगा कौन सा ग्रह उस भाव में गोचर कर रहा है, चलिए उस भाव में गोचर भी नहीं कर रहा तो कहीं और गोचर कर रहा है जो कि उस भाव पर प्रभाव डाल रहा है जहाँ कोई ग्रह नहीं है। कुंडली मिलान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों की गणनाएं करके आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भाव पर कोई ग्रह है या नहीं है, ऑब्वियसली हमारी हम सबकी कुंडली पर कोई ना कोई भाव रिक्त रहता ही है, ये अटल सत्य है और रहना ही है, हो ही नहीं सकता कि सारे भावों पर सारे ग्रह आकर के बैठ जाएं। तो इन सारी दूसरी टेक्निक्स के माध्यम से, दूसरी विधियों के माध्यम से हम प्रेडिक्शन देते हैं, शादी कब होगी, शादी कैसे होगी, नौकरी कब लगेगी, डी10 चार्ट उसका फिर देखा, 10th हाउस पर मान लेते हैं कोई ग्रह नहीं है लेकिन 10th हाउस पर कोई राशि है, शनिदेव की राशि है मान लेते हैं, यदि मेष लग्न की कुंडली है तो शनिदेव का गोचर कैसे हो रहा है, शनिदेव कहाँ पर बैठे हुए हैं, उन पर कौन देख रहा है, डी10 चार्ट कैसा है, ये सारी स्थितियों को देखने के बाद आपको एक प्रेडिक्शन दिया जाता है और कि आपकी नौकरी कब लगने वाली है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। और आप सोच रहे हैं कि कोई भाव खाली है, लेकिन एक्चुअल में कोई भाव खाली है ही नहीं। गोचर में देखेंगे, कुछ भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का प्रभाव पड़ ही जाएगा, दिख ही जाएगा आपको हर भाव पर। तो ये एक बहुत ही छोटी सी एक आप लोगों के मन में संदेह रहता है और इस संदेह को दूर करने के लिए आज एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, जिस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं कि मैं क्या करता हूं, एस्ट्रोलॉजर्स क्या देखते हैं जब कोई भाव खाली होता है। तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत बहुत कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सीधी सी बात है। हाँ ये है कि भाई जिन्हें ज्योतिष नहीं पता, जिन्हें ज्योतिष नहीं आता है, जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ज़रूर से हो सकता है कठिन बात हो, जैसे ABCD कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं सीखा अभी तक उनके लिए तो मुश्किल होती है ना, बस वही बात है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोज़ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा, नमस्कार।